आप श्रीमती इंद्राणी गुहा हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की प्रभारी हैं जी। आप युधिका दास जी हैं, आप पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष हैं। आप श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी हैं, आप नॉर्थ बंगाल के कन्वेनर हैं। और आप श्री विनोद भारती जी हैं, आप वेस्ट बंगाल के कन्वेनर हैं। और एक राष्ट्रीय महासचिव है सदनाथ भरत, उनकी फैमिली का बच्चे का तबियत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका नाम है चंद्रनाथ भरत, वो है राज्य के महासचिव। और फिर हमारे सामने हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हुए हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता आए हुए हैं, सदस्य आए हुए हैं। चूंकि ये प्रेस क्लब है, कोई रैली नहीं है, तो हमने महासचिव की परिभाषा यूपी और बिहार से रख नहीं है, पूर्वांचल की आबादी करीब 7 करोड़ है और 15 राज्य पूर्वांचल के राज्य हैं। दिल्ली से जब पछिया हवा चलती है, पूरब की तरफ जिस राज्य को टच करती है, वो सब पूर्वांचल राज्य है। जहां बंगाल में बैठे हैं ये ओरिजिनल पूर्वांचल राज्य है, ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्ट पूरब बोलते ना उसको, पूर्व आया कहां से, दिशा से आया, अंचल क्षेत्र। हमारी पार्टी पूरे भारत की पार्टी है, 3600 राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिकरण से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पूर्वांचल को इतना छोटा सा लोटा बना दिया कि कुछ जिले उत्तर प्रदेश के और कुछ जिले बिहार के वो पूर्वांचल। ये मिथ्या है, सत्य जो है पूर्वांचल का 80 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर 15 यूपी के लिए, पूरे भारत के लिए है। हमारा जो एजेंडा है सबसे बड़ा कि हमारी पार्टी पूरे भारत में समान शिक्षा लागू और स्वास्थ्य की सेवाएं सरकार के अंतर्गत। समान शिक्षा का मतलब हमारा यह है कि हम भारत में सभी निजी स्कूलों का सरकारी अधिग्रहण कर किसी भी बच्चे में भेदभाव न हो। जैसे कहते हैं कि बच्चे बच्चे में भारत बसता है, तो जब हम बच्चे में भेदभाव करेंगे तो भारत कैसे बसेगा उसके अंदर। हम चाहते हैं कि पूरे भारत का बच्चा एक समान शिक्षा प्राप्त करे सरकारी स्कूल के अंतर्गत। हम निजी स्कूलों को सरकारी अधिग्रहण कर देंगे, उनमें जो शिक्षक है, कर्मचारी है या उस स्कूल के जो मालिक है, उनको भी सरकारी कंसेशन लेकर के, उनको कंपनसेशन लेकर के, शिक्षकों को उनके हिसाब से बहाली करके हम पूरे भारत में समान शिक्षा लागू करेंगे। पूरे भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल बने, सिर्फ सरकार के अंतर्गत ही वो सभी हॉस्पिटल को हम अधिग्रहण करेंगे। और सरकार के अंतर्गत चाहे किसी भी तरह का स्वास्थ्य का सेवा है, हम लोग सरकार के अंतर्गत ही पूजा करेंगे। ताकि भारत में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से हमारे गरीब किसान मजदूर लोग ठीक से जी नहीं पाते हैं। उनको ये चिंता सताती है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे और उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिलेगा। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी है। फिर थर्ड है गांव का विकास। हम गांव को समृद्ध बनाएंगे ताकि वहां के युवाओं को वही रोजगार मिल सके, ताकि कोई भी युवा एक राज्य से दूसरे राज्य को पलायन करके जाना नहीं पड़े, वो अपने परिवार अपने माता पिता के साथ वही रह करके अपने परिवार का जीवन यापन। 14 सीटें संगठन बन चुका है सभी राज्य पश्चिम बंगाल में। असम में 14 सीट में लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं पूरे भारत में 543 सीट है। हम चूंकि हम लोग अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने जा रहे हैं, तो हमें पूरी भारत में हमारा प्रेजेंस चाहिए और हमें भारत की चिंता है। हम सभी राज्यों को एक साथ लेकर के इस भारत में प्रेम की राजनीति, नफरत जाति और धर्म की राजनीति को खत्म कर प्रेम की राजनीति। अच्छा, तो क्या आप लोग अलायंस करेंगे? ये मान के चलती है कि लोकसभा का चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। ये कोई युद्ध नहीं है कि हम एक दूसरे से इकट्ठा होकर के अपना अस्त्र शस्त्र यूज करें। ये लोकतंत्र हमारे राष्ट्र की जनता की भावनाओं का एक पर्व है, उसमें अपना अपना प्रतिनिधि चुनने का सबको अधिकार है। हम लोग किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम पूरे भारत में अकेले चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे जी। आने वाले समय फ्यूचर में तो हम लोग भारत को एक नया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और जिस तरह से 347 सीट का हम लोगों ने एप्लीकेशन बकायदा इलेक्शन कमीशन में 13 फरवरी को दिया, हमने हमारे बिना सरकार बढ़ेगी नहीं और हम सशक्त भूमिका करेंगे।
क्योंकि विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में सही तरीके से राष्ट्र को चलाने के लिए। अगर विपक्ष कमजोर है तो पक्षधर जो है मनमानी करेगा, जैसे अभी मौजूदा स्थिति में किसी भी राज्य में और राष्ट्र में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में प्रावधान है कि आप फर्स्ट टाइम जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरे भारत के लिए कॉमन सिंबल मिलेगा। उसकी क्राइटेरिया है कि मिनिमम कॉमन सिंबल, मतलब जैसे बंगाल में अगर हमारा चुनाव चिन्ह मान लीजिए मोबाइल है तो बिहार में वही रहेगा, तमिलनाडु में वही रहेगा, सभी जगह एक जैसा रहेगा। पार्टी का बकायदा नाम रहेगा ईवीएम मशीन पे। मैं पूरे भारत के युवाओं को आह्वान करता हूं, उसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मीडिया के माध्यम से, भारत का युवा किसी भी राजनीतिक पार्टी और संगठन के द्वारा आयोजित किसी भी गलत आंदोलन में भाग न ले, क्योंकि उसमें उनका समय और राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर कभी कोई विरोध करना हो आप काला पट्टी बांधिए, आप फ्लैश बोर्ड बनाइए और जिस किसी एक जगह पे निर्धारित है हर राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में या राष्ट्र में, आप वहां जाके प्रदर्शन कीजिए बैठकर के शांतिपूर्वक। ये कौन सा तरीका है कि अपने ही राष्ट्र में रोड जाम करके तोड़फोड़ करके हम अपने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। हमारी पार्टी इसका घोर विरोध करती है। हमारी पार्टी कभी भी इस तरह का आंदोलन न करेगी, न इसमें कभी किसी का साथ देगी। अभी तक आपके कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य आपका? सर 50 करोड़। संविधान में पास कर दिया ना हमने, 60 करोड़ आबादी है इसकी, 10 करोड़ लोग छूट गए होंगे जिनको नहीं पता चला। अभी आपके नेशनल हमने हमने अपनी प्राथमिक सदस्यता वेवर कर दिया है। प्राथमिक सदस्यता नहीं चाहिए। अगर किसी को एक्टिव मेंबर पॉलिटिक्स में आना है कि कोई पद लेना है या राजनीति कोई चुनाव लड़ना है तो उसके लिए एक्टिव सदस्यता है। प्राथमिक सदस्यता हमने पूर्वांचल के लोगों के लिए वेवर कर दिया, ये संविधान में डाल दिया हमने। जो कहीं भी है वो हमारा सदस्य है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में, कहीं भी है उनका वेलकम है, कभी वो हमारे घर में वापसी आ सकते हैं। प्राथमिक सदस्य के लिए और एक्टिव मेंबर के लिए 100 रुपीज, जो कि एक्टिवली पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, कल को चुनाव भी लड़ना चाहते हैं उसके लिए। तो प्राथमिक सदस्यता जो इन राज्यों के लोग हैं।